हारमोनियम नहीं सीख पाने का एक कारण यह भी होता है कि हमारे जो हाथ है वो हारमोनियम पे अच्छे से चलते नहीं है, जिसकी वजह से हम हारमोनियम पे कोई भी गाना प्ले नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपके प्रॉब्लम को दूर करने वाला हूँ। तीन ऐसे तरीका बताऊंगा जिस तरीकों को अपना करके 5 मिनट में आप हारमोनियम पे तेजी से उंगली चला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके को आप जान लीजिए और इस तरीके को रोज आपको हारमोनियम प्रैक्टिस के टाइम 5 मिनट करना है, ठीक है। डेली 5 मिनट अगर आप करते हैं तो 2 हफ्ते में आपका हाथ जो है वो एकदम फिनिशिंग के साथ हारमोनियम पे चलने लग जाएगा बहुत ही तेज। देखिए यार, हारमोनियम पे इतने तेज तेज गाने हैं, जैसे कि तेज तेज जो गाने हैं जो एकदम फास्ट चलता है, तो उन गानों को बजाने के लिए हमको अपना उंगली फास्ट चलाना पड़ता है। उंगली फास्ट चलाने का जो तरीका है वही चीज आज मैं इस वीडियो पे आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे करना कुछ नहीं है, करेंगे ये चीज, पहला जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहले जो तरीके में हम ये करेंगे कि जो सरगम हम मध्य सप्तक से बजाते हैं, सारे गामा पा धा निसा, ये हम बजाते हैं शुद्ध स्वरों को लेकर के, ठीक है। जो सरगम हम इस सा से लेकर के अगले सा तक, तार सप्तक के सा तक जो चीज हम करते हैं उसे हम क्या करेंगे, इस सा से लेकर के अगले लास्ट वाले सा तक हम उसी चीज को प्ले करते जाएंगे। ये पहला तरीका, आप देख लीजिए आपको किस प्रकार से करना है और इसमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये चीज भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही करना, ठीक है। पहले समझ लीजिए कि इन इन अभ्यास को करते वक्त किन बातों का हमको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो ये जो चीज है मैं आपको करके दिखा दूं, तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो तरीका है इसको करते वक्त ध्यान में ये चीज रखना है कि हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा जो उंगली है तो इधर से आते वक्त ये उंगली हमारा यहाँ पे था तो इधर से जाते वक्त भी ये उंगली यहाँ पे रहना चाहिए, या हम इसको एक बार कर लिए तो सेकेंड टाइम जब उधर से आ रहे हैं तो भी हमारा उंगली एक यहीं पे रहना चाहिए, ये चीज हमको नहीं मतलब ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। इस चीज को अगर देखते रहोगे तो भाई मिस्टेक हो जाएगा, यानी कि आप ये चीज ध्यान रखोगे कि मेरा ये उंगली इसमें जाना चाहिए, ये उंगली इसमें जाना चाहिए, तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। कोई भी यहाँ पे फिक्स नहीं होता कि आपका कौन सा उंगली किसमें चला जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज ध्यान में रखना है वो ये है कि गाने बजाते वक्त हमको ये चीज सीखना पड़ता है कि हम ऐसे हाथ को कैसे रखें जिसके वजह से हम अगर गाना इधर जा रहा है तो यहां तक भी चला जाए, अगर गाना इधर चला जा रहा है तो यहां तक भी चला जाए। तो उसके लिए तो एक ही बात पे कहना चाहूंगा, जो भी आप कॉर्ड लगाते हो तो कॉर्ड का जो नीचे वाला जो सफेद बटन है उसमें हमारा अंगूठा रहना चाहिए, ये वाला हमारा उंगली जो है इसमें रहना चाहिए और ये वाला उंगली जो है हमारा इसमें रहना चाहिए। अगर आप इस प्रकार का पोजिशन बना करके रखते हैं तो कोई भी गाना में आपका उंगली जो है नहीं कटेगा, यानी कि कोई भी गीत में आपका उंगली का जो मतलब इधर जाना है तो इधर पूरा उंगली आपको मिल जाएगा, इधर जाना है तो इधर पूरा उंगली आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप ये पोजीशन बना लीजिए, जब भी आप कॉर्ड लगा रहे हैं, हर एक गीत में कॉर्ड लगता है आपको पता है, तो जब भी आप गीत बजा रहे हैं तो कॉर्ड लगा करके बजाइए, और कॉर्ड लगा करके आप बजाएंगे तो आपका उंगली कभी भी मतलब कम नहीं पड़ेगा, इधर अगर गाना आ रहा है तो इधर आ जाएगा, इधर गाना आ रहा है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है। अब सेकेंड जो हमारा अभ्यास है तेज उंगली के लिए, उस चीज को हम करते हैं। तो सेकेंड अभ्यास में हम क्या करेंगे, मा शुद्ध को छोड़ करके तीव्र मा लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम सरगम कर रहे थे सारे गामा पा धा निसा, तो उसमें का मा शुद्ध को छोड़ देंगे और तीव्र मा लेंगे, कैसे। ठीक है, अब यहां पे आपने देखा होगा जब मैं इधर से आया, ये मैंने किया, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है यार, कई बार आपका ये चीज उपयोग होगा, अगर आप इस चीज को नहीं सीखोगे तो बाय मिस्टेक हो जाएगा आपसे, यानी कि आप गाना जब बजाओगे तो वो दिक्कत होगी आपको बजाने में, तो ये चीज सीखना भी जरूरी है। जैसे कि मैं इधर से आया, बहुत बार ये चीज उपयोग होता है जब भी हम गाना बजाते हैं तो ये चीज उपयोग होता है, तो ये चीज भी आप करके देखिए। ये चीज अगर आप सीखे रहेंगे तो आपको ये चीज जो है बहुत ही फायदा देगा, क्योंकि गाने फास्ट बजाने में अगर हमारा उंगली इसमें तो हम इसमें ऐसे करके ले जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम उंगली उतार सकते हैं। ये सेकेंड जो तरीका है तीव्र मा को लेकर के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। सेकेंड जो तरीका है एक बार और देख लीजिए, ठीक है।
ठीक है। अब जो तीसरा तरीका है उसमें हम क्या करेंगे, तीसरे तरीके में हम ये करेंगे कोमल रे कोमल ग कोमल ध और कोमल नी, यानी कि हम यहाँ से सा कर रहे हैं तो सा कोमल रे कोमल ग म प कोमल ध कोमल नी सा, इस प्रकार से हम करते करते जाएंगे और इसी प्रकार से करते आएंगे, यानी कि हमें एक सप्तक के चारों सुरों को जो चार कोमल स्वर होते हैं उनको लेकर के हमको ये अभ्यास करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए, आप औरों में भी आएंगे तो उन्हीं स्वरों को लेते हुए, इस प्रकार अगर ये चीज आप कर लेते हैं, ये चीज अगर आप तेजी से करना सीख जाएंगे, जो तीनों स्टेप मैंने बताया तीनों स्टेप को अगर तेजी से करना सीख जाएंगे तो आपका हाथ जो है इतना फास्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, और बहुत ज्यादा फास्ट हमको सीखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड गेन करना चाहते हैं तो ही वो चीज करिए, अन्यथा हम जितना फास्ट मैं बजाता हूं ना, जैसे कि इतना फास्ट काफी है यार, इतना फास्ट में हम कोई भी गाना आराम से बजा सकते हैं, ठीक है। तो इतना फास्ट ही सीखिए, तीन जो तरीका मैंने बताया उन तीनों तरीकों को अपनाइए और इतना फास्ट आप हारमोनियम आराम से बजा लेंगे जितना फास्ट मैं बजा रहा हूँ। इतना फास्ट अगर आप हारमोनियम बजा लेते हैं और जो चीज मैंने बताया, जो तरीका मैंने बताया तीनों तरीकों को करके अपने हाथ को फ्री कर लीजिए, अगर वो तरीके में आपका हाथ चल जाता है तो समझो आप किसी भी गाने में अपना हाथ चला लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल पे नए हैं चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।